नवाब शाह का मकबरा है और उनका की मृत्यु 1805 ईस्वी में ही हो गई। तालाब है और अखाड़ा है और ये इसके अंदर चलता हूँ, फिर आपको अंदर का दिखाता हूँ कि ये देखिए इनके मज़ार का अंदर का ये नज़ारा है, आपको दिखा दूँ। ये उनकी मज़ार है, उनका बनाया जब उस टाइम आप या कोई रहा होगा तो शायद मेरे सबसे। हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। फ्रेंड आज मैं हूँ गाज़ीपुर में और मैं अभी आपको पीछे दिखाऊंगा कि ये गाज़ीपुर के नवाब शाह का मकबरा है और उनका किले के नाम से ही इनको यहाँ पे जाना जाता है। यहाँ पे इनकी मकबरा है और इनकी कब्रें, इनकी फैमिली की कब्रें हैं। इनकी मृत्यु 1805 ईस्वी में ही हो गई थी। मुग़ल काल के ये अच्छे शासक रहे हुए हैं गाज़ीपुर में और इनका जो अभी देख रहे हैं ये इनका पीछे इनका मकबरा बना हुआ है, इनके कब्रिस्तान, इनके फैमिली की जितने भी लोग हैं यहाँ पे इनकी कब्रिस्तान है और इसके जस्ट बगल में ही इनकी एक बहुत से ज़्यादा जगह में ये फैला हुआ है और यहाँ पे इनका एक तालाब है और अखाड़ा है और ये देखिए इनके जस्ट सामने जो अभी खंडर टाइप का हो गया है ये इनका अखाड़ा था और उसके जस्ट बगल में एक इनारा है। तो आइए मैं अब इसके अंदर चलता हूँ, फिर आपको अंदर का दिखाता हूँ कि इसमें क्या अभी क्या सिचुएशन कैसा यहाँ पे है, कि अभी किला सही है या कुछ टूट फूट गई है। तो आइए मेरे साथ अब मेरे वीडियो में बने रहें और मैं अभी अंदर चल के आपको दिखाता हूँ। ये देखिए इनके मज़ार का अंदर का ये नज़ारा है, आपको दिखा दूँ। ये उनकी मज़ार है, उनका उस फैमिली लोग का मज़ार है। यहाँ पे जो ये खंडर टाइप का हो गया ये ऊपर देख लीजिए आप, ये मुग़ल शासक के जब राज करते तो उस टाइम का ये किला है यहाँ पे। देखिए ये तो पता नहीं मुझे कि ये किसका मज़ार है। ये देखिए अंदर का आप देख सकते हैं, ये इससे पहले जब यहाँ पे कोई नहीं आता तो यहाँ पे जुआड़ियों का अड्डा हो गया था। वो लोग आते थे यहाँ पर बैठ के, बहुत गलत चीज़ करते थे, शराब पीते थे और बहुत कुछ करते थे। तो इसी के लिए जिसके अंडर में ये अब हो गया है तो वो इसका देखभाल करते हैं। अब यहाँ पे पेंट उंट भी हो गया है मज़ार, और मज़ार की आइट साइड में जितनी मरम्मत हो सकती थी उतनी मरम्मत यहाँ के लोगों ने, यहाँ की कमेटी जितने भी जो थे वो किए हैं अपने हिसाब से। तो आप देखिए, ये देखिए इतना अच्छी नक्काशी इसको किला को बनाई। जब उस टाइम आप या कोई रहा होगा तो शायद मेरे सबसे 1805 ईस्वी का है, तो अब तक तो कोई दुनिया में हुआ नहीं। तो ये देखिए उस टाइम का बना हुआ है ये किला, कितनी खूबसूरत नक्काशी के इसको नक्काशी करके इसको बनाया गया है। ये देखिए गाज़ीपुर में कासमाबाद एक गांव है, वहीं पे उनका घर है अस्थाई, और इन्होंने ही गाज़ीपुर में नवाबगंज के नाम से एक अपना मोहल्ला एरिया बनाया और उसके बाद फिर इन्होंने बहुत से जंग मुग़ल शासक के शासक में बनाए। फिर उसके बाद अब देखिए ये जस्ट यहाँ पे देख लीजिए ये अखाड़ा है, और उधर आप देख लेंगे कि उधर तालाब है, उसके जस्ट बगल में ही एक इनारा है और उधर बहुत से इनके फैमिली के मज़ार भी हैं। जो भी अभी कमेटी के लोग हैं वो अपने अंडर में ये मकबरा को ले लिए हैं और इनका पेंटिंग वेंटिंग की व्यवस्था भी यहाँ पे कर दिए हैं और सफाई भी सही है और पेंट भी हो गया है चारों तरफ। आप देख लीजिए कब्रिस्तान भी, जो इनका मज़ार है वो भी
पेंट हो गया है, तो यहाँ की जो कमेटी यहाँ की उनको मैं शुक्रगुजार करता हूँ कि ऐसे जो पुराने पुराने किले हैं उनको देखभाल करें कर रहे हैं, तो उनकी बहुत ही प्रशंसा करना चाहिए सबको। तो आप भी अगर कभी आएँ गाजीपुर में तो आप एक बार नवाब का किला आके ज़रूर घूमें, देखें कि इतिहास गाजीपुर में हमारे हैं। आप यहाँ पे आ सकते हैं, ये देखिए थोड़ा सा पुराना, 2 साल 2.5 साल पुराना होने की वजह से बहुत ही टूटी टूट फूट गई है। तो अब जितने भी यहाँ के कमेटी हैं उनसे मैं गुजारिश करता हूँ कि थोड़ा सा इस पुराने किलों को देखभाल कर लें और थोड़ा सा कुछ करके और भी अच्छे से इसको बनाएं। ये देख लीजिए आप मेरे पीछे बहुत सी ज़्यादा एरिया में। नेक्स्ट ब्लॉग में।